अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हमारी वीडियो है ये रैंकिंग के ऊपर है। ऐड की रैंकिंग को हम कैसे मेजर करते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पेज पे। कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट शेयर की थी 14 अक्टूबर को, अगर आप देखना चाहें तो मेरे पेज पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं फेसबुक पेज के ऊपर। इसमें हमने एड रेलिवेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन की भी है। इमेज एक बनाई थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। इसमें पांच चीज़ों को जो है फेसबुक काउंट कर रही होती है। इसमें अबव एवरेज है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, और उसमें 35% है, 20% है और 10% है। अब हमारा ऐड अगर इन दो के ऊपर चल रहा है तो दैट मीन्स हमारा ऐड अच्छा चल रहा है। हम रेलिवेंट ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं और उससे ऑडियंस को हमें भी फ़ायदा हो रहा है और ऑडियंस तक जो चीज़ हम पहुंचाना चाह रहे हैं, अपना मैसेज देना चाह रहे हैं, वो भी पहुंच रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको जो है लेके चलते हैं हमने एड मैनेजर में। हम ये कहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हमने ये कैंपेन बनाई हुई है, एक्टिव कैंपेन है। इसका बजट 1000 है। इसकी जो इंगेजमेंट्स हैं वो 32,344 इंगेजमेंट्स हैं। इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 0.23 रुपीज़ आ रही है, यानी पैसा में आ रही है। और इस पर अभी तक जो स्पेंडिंग हुई है वो 7,593 रुपये स्पेंड हुए हैं। तो हम इस कैंपेन के अंदर चाहते हैं हम अपने एड सेट लेवल में आ जाएंगे। एड सेट लेवल में हमने नहीं जाना, हमने जाना है एक्चुअली एड वाले लेवल में। अब यहाँ पे हमारे एड जो हमने बनाए हुए हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इसमें ब्लो जो एवरेज एड आ रहे हैं 35, 20 और 10%, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। क्वालिटी रैंकिंग आपका ऐड है, आपके ऐड की क्वालिटी कैसी है, उसकी रैंकिंग फेसबुक कैसे ले रही है, कस्टमर्स के साथ जब अट्रैक्ट होता है आपका जो क्लाइंट है, या को फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक पर जो ऑडियंस आपने चूज़ की हुई है जिसको आप ऐड दिखा रहे हैं वो कितनी रेलिवेंट है, यहाँ पे इन तीन चीज़ों पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वालिटी रैंकिंग है। अगर मेरा ऐड बिलो 35% है तो मुझे इसके अंदर दोबारा जाके देखना चाहिए कि मुझे मेरी इमेज सही है। अगर मेरी इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है या उसकी हेडलाइन अच्छी नहीं है तो मुझे ये चाहिए कि मैं अपने ऐड में दोबारा से थोड़ा सा देखूँ जाके कि मेरे ऐड में कहाँ पर चेंजेस अप्रोप्रिएट मुझे रिक्वायर हैं। और मैं अगर मेरी इमेज चेंज होने वाली है तो मैं इमेज को चेंज करूँ, और अगर मेरी कोई हेडलाइन चेंज होने वाली है या कॉल टू एक्शन प्रॉपर मैंने नहीं दिया हुआ तो मुझे ये इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम इंगेजमेंट रेट रैंकिंग के ऊपर। इंगेजमेंट रेट आपकी ऑडियंस जो आपसे, लेट से यहाँ पे ये पोस्ट इंगेजमेंट्स आ रही हैं, यहाँ पे पोस्ट इंगेजमेंट्स आ रही हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो रेट है वो एवरेज है। हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस, यहाँ पर हमारा जो एवरेज है दैट मीन्स हमारा ऐड इसमें इंगेजमेंट में आता ज़रूर है। जैसे ही कोई अगर बिलो 35% ऐड दूसरे ऐड्स के साथ ये चल रहा है तो क्या होता है कि एवरेज उसकी इंगेजमेंट आती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कन्वर्जन रेट पे, हम उसका एवरेज कन्वर्जन रेट यहाँ पे देख रहे हैं। दैट मींस कि हमारा ऐड उसमें बेहतर है, कन्वर्जन होती है, यानी जो बंदा उसको देखता है वो क्लिक करके किसी लैंडिंग पेज की तरफ चला जाता है या वो आपसे उसके ऊपर कन्वर्सेशन करता है, मैसेंजर के ऊपर आता है, व्हाट्सएप के ऊपर आता है। तो ये चीज़ें यहाँ से काउंट होती हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इस ऐड के ऊपर, जो हमने मेन ऐड इसको चलाया हुआ वो है जी हमारा ये वाला। तीन ऐड चल रहे हैं जिसमें से वीडियो वाला ऐड जो है, वीडियोज़ की नो डाउट जो इंगेजमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी आती हैं। तो आप भी कोशिश करें कि 15 सेकेंड्स की जो है मैक्सिमम अभी ले लें वीडियो, आप उसको चलाएँ, उसकी इंगेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे 34,422 यानी 31,422 इंगेजमेंट्स हैं, जिसमें से हमने अपनी ऑडियंस की रीच देख ली है, इंप्रेशंस आपके सामने हैं, और उसके बाद इसकी क्वालिटी रैंकिंग एवरेज है, फिर इसकी इंगेजमेंट रैंकिंग है वो भी एवरेज है, और कन्वर्जन रेट रैंकिंग वो भी एवरेज है। तो हमें इसको अबव एवरेज ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? अबव एवरेज ले जाने के लिए हमें, हो सकता है कि हम ये लोएस्ट कॉस्ट पे चला रहे हैं तो ये अबव एवरेज आ रहा है हमारा, थोड़ा सा हमें ये चाहिए कि हम बिडिंग की तरफ जाएं। जब हम इसके ऊपर बिड करेंगे तो हो सकता है हमारा ऐड जो है वो अबव एवरेज आ जाए, दैट मींस टॉप पे हमारा ऐड आएगा, सबसे पहले हमारा ऐड ओपन होगा।
फिर जो है दूसरे एड्स की तरह कम्पीट करेगा जो टॉप पे आते हैं। तो फिर हम यहाँ पर जो है इन चीज़ों को, तीन चीज़ों को देखते हैं और इनसे हमें आइडिया होता है कि हम इसको कैसे करते हैं, ट्विकिंग इसमें कैसे करते हैं। लेट से हमें अभी हमें इसको ऐड को थोड़ा सा बेहतर करना है, तो हमें अगर यहाँ पे क्वालिटी रैंकिंग में मसला आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसको एडिट कर लेंगे यहाँ से। इस ऐड को एडिट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने ऐड क्रिएटिव में। क्रिएटिव में आके हम यहाँ पे देखेंगे हमने एक नया ऐड बनाया और हमने उसके अंदर इमेज चेंज कर दी, हेडलाइन चेंज कर दी। अगर हमारा कॉल टू एक्शन बटन नहीं सही है या उसके अप्रोप्रिएट नहीं है तो हम इसमें सबसे बेस्ट कौन सा जो है वो कॉल टू एक्शन बटन होगा जिससे हमें ऑडियंस उसके ऊपर क्लिक करेगी और लेट्स से उसके साथ मैचिंग होना चाहिए। अब लर्न मोर और व्हाट्सएप और ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपने अमेजन देखनी है उसके अंदर। और फिर मैंने यहाँ पे डायनामिक ऐड बनाया हुआ, इसमें मैंने 4-5 हेडलाइंस यूज़ की हैं और व्हाट्सएप का बटन यूज़ किया हुआ। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मुझे डाउट है कि मेरी इमेज जो है वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर, मुझे अपनी इमेज को सही करना चाहिए ताकि मैं इमेज चेंज करके तो लोगों को ऐड दिखा सकूँ। जब मैं लोगों को इमेज चेंज करके ऐड दिखाऊं तो हो सकता है मेरा ये वाला ऐड जो बिलो एवरेज आ रहा है ये भी इसी तरह एवरेज शो करने लग जाए। दैट मीन्स कि रेलिवेंसी उसके अंदर आ जाएगी और उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, तो लोग उससे ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे और फिर आपको इंक्वायरीज भी जनरेट होंगी। तो ये तीन चीज़ें हैं जिससे हम ऐड को मेजर करते हैं कि ऐड किस तरह चलता है, किस तरह हम उसको ऊपर लेके आ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो दूसरों से शेयर ज़रूर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।